जय श्री राम। राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीडी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में बिहार शिक्षक नियमावली के बारे में बात करने वाले हैं, नियमावली में क्या क्या बदलाव। इससे पहले पिछले वीडियो में कैबिनेट से पद सृजन की मंजूरी, फिजिकल टीचर के लिए जो पद सृजन हुए थे 8386 पद, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं फिजिकल टीचर के लिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसटीटी के बारे में। एसटीटी क्वालिफाइड, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की जी बिल्कुल, विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को देखते हुए कह सकते हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होंगे कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। सबसे पहले नियमावली के बारे में जानते हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नियमावली के बारे में जानते हैं। अनुमानों के आईने में बिहार शिक्षक नियमावली, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली में क्या क्या बदलाव हो सकता है, इसको देख लेते हैं। शिक्षक नियमावली में क्या क्या बदलाव हो सकता है, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि नियमावली 2020 जैसा है वैसा ही रहेगा, एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बहाली होगी जैसा कि होता आ रहा है, और जैसा नियमावली 2020 में है वही हो सकता है। जैसे कि बता दें कि एकेडमिक एवरेज एकेडमिक के लिए ग्रेजुएशन परसेंटेज प्लस बीएड परसेंटेज और डिवाइड बाय 2, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 से भाग देंगे ग्रेजुएशन परसेंटेज और बीएड परसेंटेज का। उसी तरह से उच्च माध्यमिक के लिए बात कर लेते हैं, तो 10+2 के लिए, तो इसमें यह हो जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस बीएड का परसेंटेज और भाग 2 से देंगे। और यदि जिसमें अनिवार्य नहीं है उसमें बात कर लेते हैं कि उसका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वही हो जाएगा, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं जिस पर आप लोग अप्लाई किए हैं तो वही रह जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हो जाता अफवाह से दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, 12 मार्च रिजल्ट के बाद 3 महीने के बाद जैसा घटना एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ हो चुका, अब जल्दी किसी के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ये बात है, जब तक ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हो जाता तो विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बातें निकल कर सामने आती है। एक बार देख लेंगे घटना के बारे में कि जैसे कि उस दिन क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट दिया गया, उसके बाद उस दिन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं था, उसके बाद उस दिन यह भी बात निकल कर सामने आई कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, और उसके बाद न ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी हुआ, न ही कट ऑफ जारी किया गया और न ही आरटीआई का रिप्लाई आया। इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं, तो यही घटना है एक तरह से कह सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम तो ये हो सकता है कि जैसा है नियमावली 2020 वैसा ही बहाली प्रक्रिया हो, चयन प्रक्रिया हो। अब सेकंड देख लेते हैं क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। तो सेकंड में यह है कि एसटीटी मार्क्स के आधार पर हो रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है और ऐसे में रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिल सकती है, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं, ये बातें करने वाले हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। और सभी विषय में बात करें तो नौकरी पक्की है तो समझ सकते हैं आप लोग। मनपसंद जिला शहर गांव, तो ये भी बात है कि जिसका एसटीटी मार्क्स ज़्यादा है उसको अपना मनपसंद जिला शहर और गांव मिल जाए, और क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट इसका जो विवाद है ये भी समाप्त हो जाए, और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी की नौकरी पक्की हो जाए। अब थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि छठे चरण जैसा हो जाए, तो ये भी बातें निकल कर सामने आती है, जैसे एसटीटी बोनस मिलता था उसमें तो इसमें भी मिले, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब देख लेते हैं आगे, और नौकरी पक्की तो होनी ही चाहिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की, जिस तरह से चयन प्रक्रिया हो, जैसा कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं अभ्यर्थियों ने ही शामिल हुए थे, तो 1000 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें से अधिकतर का कहना था कि जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया हो लेकिन सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, एवरेज एकेडमिक मार्क्स का परसेंटेज जो है का 50%, तो मतलब एकेडमिक मार्क्स का जो औसत परसेंटेज है उसका 50% वैल्यू इधर दें, और एसटीटी मार्क्स का जो परसेंटेज निकलता है उसका भी 50% वैल्यू दें, तो ये भी हो सकता है। और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जाए, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किया जाए, ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। अब आगे देख लेते हैं, एकेडमिक
में क्या हो सकता है ऐसे में, तो एकेडमिक में 55% जैसे किसी का आया ग्रेजुएशन में और 65% आया मान कर चलते हैं बी एड में, उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और बी एड में 65%, तो इसका एवरेज कितना आता है 60%, 60% का 50% कितना आता है 30, तो 30 मार्क्स इधर हो गया। एसटीटी में यदि मान कर चलते हैं 105 मार्क्स लाते हैं कोई, तो उसका आप लोग परसेंटेज ऐसे निकालेंगे 150 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 70% मान कर चल सकते हैं, तो 70% हो गया इधर, और इस तरह से 70% का 50% करेंगे तो 35 होता है, तो इस तरह से 30 और 35 ऐड करते हैं तो 65 इसका हो जाएगा तो मार्क, तो इस तरह से भी हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, नियमावली में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इस अनुसार से बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं बीपीएससी सुपर टीटी इंटरव्यू संभव नहीं है, जी बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो ये सभी बातें हैं निकल कर सामने आती है। नौकरी तो पक्की सबकी होनी ही है, हो सकता है कि मनपसंद जिले शहर और गांव के लिए ये बातें निकल कर सामने आई कि इसका बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया इस प्रकार से किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसमें तो विद्यालयों की संख्या को देखते हुए बीपीएससी सुपर टीटी और इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, कारण 3-4-5 कारण देखने वाले हैं। तो विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है जबकि एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो ये भी बात है कि विद्यालय की संख्या को देखेंगे आप लोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो ये भी बातें करने वाले हैं, जबकि एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो कम है, जैसे कि सभी विषय देख सकते हैं आप लोग, हिंदी इंग्लिश जो भी विषय हैं, संस्कृत, उसके बाद विज्ञान मैथ और भी जितने भी पेपर टू के सब्जेक्ट हैं, तो ये सभी बातें हैं, जैसे कि और भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें भी पेपर टू में भी, उसके बाद जितने भी विषय सभी विषय ले सकते हैं एक तरह से, तो कुल सृजित एवं स्वीकृत पद के अनुसार भी अन्य सभी विषयों में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है जैसा कि बता दिए हैं। अब सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस का एक मामला आता है, तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत करने की जरूरत है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, हाई स्कूल प्लस टू विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, तो ऐसे में देख लेते हैं एक बार कितने हैं विद्यालय की संख्या और क्या क्या हो सकता है कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो सेकंड पॉइंट देखें, 8386 पंचायत के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, तो जी बिल्कुल सही बात है कि ऐसे में ये भी संभव है कि नौकरी तो पक्की होगी ही, रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर किया जाए और अपनी ही पंचायत में विद्यार्थी इंटर तक की पढ़ाई कर सकते हैं सभी विषयों में, तो दूसरा फायदा भी है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होगी, मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का विवाद समाप्त हो जाएगा और किसी को मनपसंद जिला शहर और गाँव जिसका एसटीटी मार्क्स में ज़्यादा मार्क्स है तो उसको मिलेगा, या फिर जो भी नियम कानून बनाए तो इस अनुसार से जिसका सब कुछ अच्छा है तो उसको मनपसंद जिला शहर गांव मिले और बाकी का नौकरी पक्की हो जाए, तो ये बातें निकल कर सामने आती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, विद्यालयों की संख्या को देखते हुए सातवें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8000 से अधिक पदों पर बहाली होनी चाहिए, तो जी विद्यालयों की संख्या इतनी है तो सातवें चरण में 8000 से अधिक पद पर बहाली हो, इसके लिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1673 प्लस 1000 2673 पद ऐसे हैं और भी पद 400 पद पहले सृजित हुए थे, तो मान कर चलते हैं 3500 के करीब पद सृजित हो चुके हैं और बाकी 8500 में से यदि आप लोग, क्योंकि विद्यालयों की संख्या की बात करें 9361 है, तो 8500 के करीब पद होते हैं ऐसे, तो समझ सकते हैं कि 5000 से भी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं और भी पद सृजित और स्वीकृत की बात कर रहे हैं तो देखने को मिल सकते हैं, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, 5000 से काफ़ी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं, और यही शिक्षक जो हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवाएंगे, तो ये बातें निकल कर इन्हीं शिक्षक के द्वारा एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई हो सकती है, तो दो फायदे हैं, और क्लास 9 से ही कंप्यूटर साइंस के भी पढ़ाई हो जाएंगे तो ये भी फायदे हैं, इसके लिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। अब देख लेते हैं सोशल साइंस विषय में 4 विषय को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक यही 2 शिक्षक पढ़ा सकते हैं, तो ये भी बात है कि शिक्षक को, वैसे तो बात करें तो 4 एक विद्यालय की बात करें तो 4 शिक्षक हो जाएंगे यदि प्लस टू को पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग और उसके बाद ज्योग्राफी के अलग, 4-5 शिक्षक हो जाएंगे, एक है पर्यावरण विज्ञान, तो इस तरह से काफ़ी शिक्षक हो जाएंगे, इसके लिए चाहिए कि 2 शिक्षक हैं और एमए कर ले और पढ़ाने लगें,
इसीलिए दो शिक्षक होने चाहिए, इसके लिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। सोशल साइंस विषय में भी 8000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद का सृजन किया जा सकता है। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो ये बातें निकल कर सामने आती हैं, देख सकते हैं आप लोग 9361 हाई स्कूल प्लस टू। अब देख लेते हैं आगे कारण तीन, देख लेते हैं किसका कारण देख रहे हैं कि बीपीएससी सुपर टीटी इंटरव्यू संभव नहीं, तो इसका तीसरा कारण देख लेते हैं। तो तीसरा कारण यह है कि अगर ऐसा होता है, ये सभी ऐसा होता है, तो वेतनमान काफ़ी अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेतनमान हो जाएगा। और सभी विद्यालयों की बात करें, जितने भी प्लस टू स्कूल हैं, हाई स्कूल प्लस टू हैं, तो सभी में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए सभी विषय के, और सभी विषय में तो नौकरी पक्की है ही। तो इस तरह से वेतनमान भी काफ़ी अधिक बढ़कर हो जाएगा, सभी विषय की बात कर रहे हैं। ऐसा यदि किया जाता है बीपीएससी सुपर टीटी इंटरव्यू, तो इसीलिए करें संभव नहीं है। तो जबकि बात कर रहे हैं पहले से जो शिक्षक हैं, तो वे भी वेतन की मांग करेंगे कि इतना वेतन होना ही चाहिए उनका भी, क्योंकि वे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, समान काम समान वेतन, तो इसका भी मांग उठेगा। तो इस तरह से बहुत वेतन चला जाएगा। वेतन पर वीडियो बनाने वाले हैं, अगर दूसरे स्टेट की बात करें, अन्य राज्यों की तरह भी वेतन पर एक बार विचार करेंगे। और अन्य राज्य में जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें TGT और PGT होता है, STT नहीं होता है, तो उसका वेतन काफ़ी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वेतन रहता है। उसी तरह बात कर लेते हैं अन्य राज्य में, जैसे कि आप लोग UP का भी देख सकते हैं, उसके बाद ये सभी बात अगले वीडियो में करने वाले हैं, हरियाणा का देख सकते हैं, उसके बाद दिल्ली का देख सकते हैं, उसके बाद KBS NBS इस सब का वेतन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और उस तरह से यहाँ भी एग्ज़ाम हो जाए। अब कारण चार देख लेते हैं एक बार। शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की का जो आश्वासन दिया गया था 12 मार्च के बाद, और 12 मार्च को भी दिया गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, तो ये भी बातें निकल कर सामने आती है। इसीलिए नौकरी पक्की तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की भावनाओं से खेलना, ठेस पहुँचाना कहीं से भी उचित नहीं है। अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना भी कहीं से भी उचित नहीं है। दिखाने वाले हैं कि अंधकार में कैसे रखने वाली बात हो जाएगी, कैसे अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि 12 मार्च को क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था जी, ये भी बात है नौकरी पक्की। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 12 मार्च को मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं था। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज मतलब विषयवार और कोटिवार कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। 12 मार्च की बात कर रहे हैं, 12 मार्च 2021 को। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देख ही लिए हैं, नहीं किया गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कट ऑफ नहीं जारी, तो TT में ही होता है, TT में ही कट ऑफ जारी नहीं होता है, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट आता है, वैसा ही 12 मार्च को आया था और नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था। तो लोग तो विश्वास करेंगे ही अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात हो जाएगी, वैसे अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात हो जाएगी। 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में BSEB द्वारा रिजल्ट नहीं दिया गया था, नहीं प्रकाशित किया गया था, घटते हुए क्रम में कोई लिस्ट नहीं जारी हुआ था। तो ये भी बात है कि सब्जेक्ट मतलब विषयवार नहीं जारी हुआ था घटते हुए क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जैसा कि STT विज्ञापन में भी बताया गया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में BSEB को लिस्ट देना था। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, 12 मार्च के बाद किए गए RTI का रिप्लाई नहीं आना या स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाना, विषयवार कितने क्वालिफाइड हैं पूछे जाने पर, तो ये भी बात है RTI के बारे में। एक बार आप लोग ये भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब RTI का कोई मतलब बाद में बहुत दिनों के बाद मतलब इधर कुछ RTI देखने को मिला है, तो RTI का अब कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि आप लोग विज्ञापन का 22 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, सरकार शिक्षा विभाग के अनुसार सभी क्वालिफाइड ही हैं, चाहे आप बोर्ड के मेरिट लिस्ट टॉपर लिस्ट में हैं या नहीं हैं, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चयन एवं आगे के चयन के पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ही आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार STT एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन 2019, तो यहाँ पर देखेंगे कि 22 पॉइंट आप लोग विज्ञापन का 22 पॉइंट देखेंगे, तो उसमें यह बताया गया था कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब BSEB को 30 दिनों में तो कह देना चाहिए, रिप्लाई कर देना चाहिए कि इतने क्वालिफाइड हैं इतने नहीं हैं। अब बाद में RTI का कोई मतलब नहीं बनता है, तब तक अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, ये सभी बातें हो जाती हैं। तो ये बातें निकल कर सामने आती है। तो यही बात इसमें भी कहा गया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने
इसमें अपना शामिल हुए थे और इसमें से अधिकतर का यही कहना था कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, यह उचित नहीं है। तो जी बात ये सही है। उसके बाद कुछ का कहना ये भी है कि विज्ञापन के अनुसार 12 विषयों का RTI रिप्लाई अप्रैल तक ही उचित था, तो ये भी बात है कि 12 मार्च को ही रिजल्ट आए तो अप्रैल तक ही उचित था। उसका कुछ का कहना है कि बोर्ड बहुत से अभ्यर्थियों का रुपया डुबा दिया है RTI में, तो ये भी बातें हैं। उसके बाद कुछ का देख लेते हैं कि ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, तो ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, एक बार ये भी देख सकते हैं आप लोग, यही है कि बिहार STT विज्ञापन 2019 के अनुसार बात कर लेते हैं कि 22 पॉइंट क्या था, तो वही आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें देख सकते हैं, इस चैनल पर भी आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं, इस चैनल का में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भी वही बात है, सेम है, आप लोग पढ़ लें। तो क्या क्या कहा गया था कि जिस समय RTI रिप्लाई करना चाहिए था उस समय सूचना उपलब्ध नहीं था, तो ये बातें दी गई थी कि सूचना संधारित नहीं है ऐसे करके। अब देख लेते हैं आगे, अब RTI रिप्लाई विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है, अब करने से क्या होगा। तो जी बिल्कुल सही बात है कि तब तक तो आप लोग अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नौकरी तो पक्की सबकी होनी ही है, सरकार और शिक्षा विभाग ऐसा तो कभी नहीं कर सकता है कि, तो इसीलिए कह रहे हैं कि नौकरी पक्की हो सकता है। रिक्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। अब आगे देख लेते हैं इसमें, तो नौकरी पक्की का आश्वासन रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं, ना कि यह चुनाव का वादा है जो रिजल्ट जारी करते हुए नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था, यह कोई चुनाव का वादा नहीं है। जो लोग समझते हैं चुनाव का वादा तो अलग बात है, यह रिजल्ट जारी करते हुए आश्वासन दिया गया था कि नौकरी पक्की। अब देख लेते हैं आगे, ना कि यह चुनाव का वादा है, वैसे चुनाव के वादे को भी किसी पार्टी को पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, यदि चुनाव में जो वादा किया है वो भी पूरा करना ही चाहिए, तो यह अच्छी खबर है पूरा करे तो, लेकिन यह चुनाव का वादा नहीं है, यह नौकरी पक्की का आश्वासन रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, जैसे 19 लाख रोजगार एवं 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा यह चुनाव के समय दिया गया था, यह भी सरकार चाहे तो सरकार को पूरा करना ही चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।